तो गाइज आज जो मैं आप लोगों को देख सकते हैं, आप नाइन बॉट की ये तो नई वाली आ गई है भाई, एकदम ऑसम देख सकते हैं आज। तो मैं आज आप लोग को जो है ना इसका जो एक एक करके जो प्राइस है ना गाइज, वो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सऊदी अरेबिया में जो इलेक्ट्रिक बाइक इतनी सारी खड़ी हुई है कौन सी कंपनी की और कितने घंटे चलती है और क्या प्राइस है, वो मैं अभी आप लोग को दिखाऊँगा वीडियो में। तो बने रहें एंड तक प्लीज़ गाइज, स्किप ना करें वीडियो को, लास्ट तक देखें ताकि आपको अगर परचेस करना हो तो आप परचेस कर सकते हैं। ये वाला देख सकते हैं फोर व्हीलर, ये तो फोर व्हीलर ही है ना भाई, देखें इसका क्या रेंज क्या सिस्टम है। ये देखिए इसका जो 5449 रियाल 549 रियाल इसका प्राइस है सर, आ कसवी 24 किलोमीटर चलेगी ये चार्ज करने के बाद, 5 घंटे लगेंगे इसको चार्ज करने के लिए, उसके बाद ये 24 किलोमीटर चलेगी, नहीं नहीं 24 किलोमीटर इसकी स्पीड है, यानी कि 24 की स्पीड है, आप देख सकते हैं ये वाली। वाह टायर तो बड़ा मजबूत है यार, ये पीछे से दिखाओ इसका लुक, ये देखिए अभी तक मैंने रोड पे नहीं देखा, कहीं पे नहीं देखा हूँ। नाइन बोट की, नाइन बोट वाला ही सबसे अमेजिंग और सबसे बिल्ड क्वालिटी जो नाइन बोट की है ना, बहुत ज़बरदस्त बनाता है, बहुत ही ज़बरदस्त देख सकते हैं आप ये वाला। अभी इसके बाद में मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे वाली पे, नाइन बोट, ये वाली नाइन बोट जो देख रहे हैं आप 14 की स्पीड है इसकी, बच्चे की, ये पिंक वाली, ये तो छोटे बच्चे लोगों के लिए 14 की स्पीड सही होगी। वजन किलोग्राम 8 किलो है इसका, यानी कि 8 किलो इसका जो वज़न है वो 8 किलो का है, या तो मतलब लक्सन वज़न, लेकिन 45 किलोमीटर चलेगी, ओफ ये तो बहुत ज़बरदस्त है, 45 किलोमीटर तक चलेगी, काफ़ी ज़बरदस्त है ये बच्चे वाली छोटे वाली। ये वाले जो देख रहे हैं आप, ये एवांस स्कूटर, इसका नाम है एवांस H10 इलेक्ट्रिक स्कूटर, देख सकते हैं आप सर आ कसवी 25 किलोमीटर, यानी 25 किलोमीटर तक 25 की स्पीड होगी इसकी, एकदम 40 किलोमीटर सकना वादा, यानी 40 किलोमीटर चल के जाएगी ये। और उसके बाद इसकी जो प्राइस है 1899 रियाल, ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, ये देखिए इसका टायर सिस्टम देख सकते हैं आप, टायर 800 स्कूटर का लोगो, इसका पीछे का मैं आप लोग को दिखाता हूँ, अभी पीछे का जो बिल्ड क्वालिटी है कुछ इस तरीके से बना हुआ है, देखिए आप इसका टायर और ये लाइट इंडिकेटर। यहाँ पर मैं अभी आप लोगों को फ़िलहाल दिखा रहा हूँ नाइन बोट की, नाइन बोट जो देख सकते हैं आप सर आ कसवी, एक्सक्यूज मी सर। तो अभी मैंने जस्ट इसके बारे में कंफर्म किया हूँ, ये जो आप देख रहे हैं नाइन बोट की इलेक्ट्रिक बाइक किक स्कूटर, ये अभी एक्चुअली में जब एक बार चार्ज करेंगे जो इसकी स्पीड 20 की स्पीड दिखा रही है, और स्पीड के बाद ये 22 किलोमीटर रन करेगी, यानी कि एक बार जब आप इसको चार्ज करेंगे तो 22 किलोमीटर चलेगी, देख सकते हैं ये वाली आप नाइन बोट की ये जो स्कूटर है। टायर तो हो ट्यूबलेस टायर लग रही है, देखो लाइट यहाँ पर लगा हुआ, इसका बैकग्राउंड लुक मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इसको खोल दिया भाई ने अभी, हाँ लाइक दिस, वाओ दिस वन वेरी नाइस ऑसम, दिस देयर इज द एक्सीलेटर दैट वन राइट, रियली ओके। तो गाइज ये जो देख रहे हैं आप, इसमें ये कार सिस्टम भी बन जाएगा ऐसा, जैसे कि अभी कार बन गया है और ये स्कूटर भी बन सकती है, यानी कि 2 in 1 है, ऑफ ऑसम है, ब्लूटूथ सिस्टम पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम यहाँ पर दिया गया नाइन बोट का, ऑफ अमेजिंग है यार, ये अभी तक रोड पे नहीं देखा, इसका इंतज़ार कर रहा हूँ कि रोड पे कब देखूँगा इसको। तो देख सकते हैं ये वाली नाइन बोट मैं आप लोग को दिखा रहा था और प्राइस भी आप लोग को बता रहा था, 65 किलोमीटर दिस वन, वाओ बिगेस्ट बैटरी 65 किलोमीटर एंड स्पीड हाउ मच इज द स्पीड, 25। वाह तो देख सकते हैं गाइस ये वाली जो नाइन बोट की ये जो अभी लाइट जल रही है 65 किलोमीटर चलेगी, आप बिलीव करेंगे 65 किलोमीटर, एक बार अगर आपने इसको चार्ज किया, ये वाली जो बाइक है ये देख रहे हैं आप, ये वाली जो बाइक आप देख रहे हैं 65 किलोमीटर चलेगी, इसका एवरेज 65 किलोमीटर, ओहो हो ऑसम है यार। प्राइस लेवल नहीं लगा हुआ यहाँ पर, प्राइस लेवल होता तो मैं इसका प्राइस, हाउ मच इज दिस प्राइस सर,
3200। तो ये वाली जो देख रहे हैं आप 3200 65 किलोमीटर चलेगी। वाओ, तो आप तो इस पर काफ़ी दूर तक जा सकते हैं भाई, बलद के दो राउंड मार सकते हैं, यहाँ से तीन राउंड मार सकते हैं। Xiaomi का देखो, जो Xiaomi जो MI है, MI वाले ने भी निकाल दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं MI की साइकिल, ये वाली MI की देख सकते हैं आप, 2249 रियाल 25 किलोमीटर चलेगी ये, 25 की स्पीड होगी और 30 किलोमीटर चलेगी। इसका जो स्पीड होता है ना एक्चुअली में वही होता है 30 एंड 25, देख सकते हैं अभी इसको इन लोगों ने चेंज कर दिया सिस्टम इसका। वाओ, वो अंदर भी चली जाती है, ऐसे बिल्ड हो जाती है। ओ तो देख सकते हैं, वाओ नॉइस कार, यस यस माशाल्लाह। हाउ टू राइड आर यू? यस माशाल्लाह माशाल्लाह। ओहो हो, नाइस स्पीड। देखा आपने, ये जस्ट नई लॉन्च हुई है, तो राइड तो किया भाई ने, राइड करके भी दिखाया, स्पीड काफ़ी ऑसम थी इसकी। ऑफ 9 बॉट 200 किलो तक लोड उठा सकती है, उसका कहना है ये जो बाइक है 200 किलो तक लोड उठा सकती है, 25 किलोमीटर स्पीड है इसकी। काफ़ी ही ज़बरदस्त बिल्ड क्वालिटी भी, और Xiaomi की ये वाली जो स्कूटर आप देख रहे हैं, Xiaomi देख सकते हैं 1S स्कूटर Xiaomi, जिसकी स्पीड 25 किलोमीटर है पर आवर, और 30 किलोमीटर आप एक बार चार्ज करने के बाद इसको 30 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं। ये जो लास्ट वाली जो देख रहे हैं आप सबसे, ये देखिए डिस्क ब्रेक भी लगा हुआ है इसके अंदर, देखो काफ़ी अमेजिंग डिस्क ब्रेक भी लगा हुआ है, देख सकते हैं क्या बात है, Xiaomi ने अच्छा बनाया इसको डिस्क ब्रेक के साथ में, क्या बात है यार, डिस्क ब्रेक भी आ गया इसके अंदर तो काफ़ी अमेजिंग ही रहेगा। ऑलमोस्ट सभी में डिस्क ब्रेक आ गए, उसमें नहीं है बस वाले में, लेकिन इसमें देख सकते हैं यहाँ पर डिस्क के साथ में, ये देखिए बड़ी स्कूटर की टायर लग रही है ना, ये काफ़ी बड़ी, ये भी देखिए ये भी डिस्क के साथ में, लड़कियाँ भी चला रही है। 9 बोट और Xiaomi MI, 9 बोट एंड MI, ये देखें प्राइस यहाँ पर 2499, ये वाला जो 9 बोट जो बर्ड की जो ब्लू वाली है, देख सकते हैं बर्ड एयर इलेक्ट्रिक स्कूटर, इसका जो रेंज है 20 किलोमीटर स्पीड होगी और 25 किलोमीटर ये चल के जाएगी, 3.5-4 घंटे के अंदर ये चार्ज हो जाएगी, ये वाली देख सकते हैं। ये देखिए Xiaomi का, ये एक दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये भी वैसा ही है, 3 घंटा लगेगा चार्ज होने में, 25 किलोमीटर चलेगी, 30 किलोमीटर तक चलेगी और 25 किलोमीटर तक इसका स्पीड होगा ये वाले का। वो वाली स्कूटी को तो अभी वो लड़कियाँ भी चला रही है वहाँ पर जो है। आपका अगर कोई क्वेश्चन होगा इसको ख़रीदने के लिए या कोई कॉमेंट्स होगा तो आप कॉमेंट्स कर सकते हैं, कॉमेंट बॉक्स में आप कॉमेंट्स करेंगे तो वहाँ से मैं आपको ज़रूर ऑनेस्टली रिप्लाई करूँगा, और आप लोग को जहाँ तक हो सके वहाँ तक मैं चाहूँगा कि हेल्प करूँ, हेल्प आउट करूँ, यानी कि अगर कुछ क्वेश्चन हो आप लोगों का तो। देख सकते हैं यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक ही है छोटी छोटी, यहाँ पर देख सकते हैं ये भी इलेक्ट्रिक ही वाली है, ये सारी नई नई अभी आ गई है मार्केट में, अभी तक फ़िलहाल रोडों पर तो नहीं दिखी है, रोडों पर तो नहीं दिखी है, ये सब नई नई आइटम्स आ गई है, देख सकते हैं ये भी, इसका जो 8 किलोमीटर चलेगी है, 40 किलो वजन तक उठा के ले जा सकती है, वो सामान के लिए आएगा ये जी। सॉक की देख सकते हैं आप, वॉच भी लगी हुई है यहाँ पर, 669 प्राइस, 649 ये वाली की, 649 देख सकते हैं, ओरिजिनल है जी सॉक, ओरिजिनल है ये सारे जी सॉक के जितने वॉच हैं ना, देखें आप ये वाली देखिए चैन वाली ऑफ स्टेनलेस स्टील, 1880 रियाल की है, ये वाली जो देख रहे हैं आप 1880 रियाल की, और उसके बाजू में जो देख रहे हैं आप 2200 रियाल की है, ओ हो देख सकते हैं 1644 रियाल की है जी सॉक, बहुत ही एक्सपेंसिव, कहीं कहीं पे एक्सपेंसिव है कहीं कहीं पे सस्ता है, लेकिन जी सॉक है तो महंगा तो रहेगा ही। ये भी जी सॉक की है, 685 रियाल की, वाइट
तो होप करते हैं गाइड वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। जैसे कि एक्चुअली मैं ऑल मैंने दिखाई दिया, आप लोग देख सकते हैं। अभी फिर से मैं थोड़ा स्लो करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है, मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर रेंज भी लिखा हुआ, प्राइस यहाँ पर प्राइस आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। 9 बोट ये पूरा लिखा हुआ, लेकिन अरबी में तो कुछ लोग समझेंगे और कुछ नहीं भी समझेंगे। तो आप तो ये नंबर से तो समझ सकते हैं, ये किलोमीटर है, स्पीड है, ये किलोमीटर है Xiaomi का। और प्राइस देख सकते हैं 200, क्योंकि प्राइस जानना भी बहुत ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक बाइक है सऊदी अरेबिया के अंदर, ये भी वर्जिन सेंटर के अंदर ही लगा हुआ है, तो इसका यही प्राइस चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 2,000-2,500, बस यही रेंज में है, यानी 2,000-2,500 के अंदर ही है सारी बाइक्स। देख सकते हैं 2,000-2,500 के अंदर में ही है ये 1800 रियाल की, ये वाली 40 किलोमीटर चलेगी 1800 रियाल की। देख सकते हैं आप पीछे से, देखिए काफ़ी औसम है, ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है बाइक काफ़ी। मेरा तो था लेना ये, लेकिन मेरे पास उतना अभी फ़िलहाल वक्त नहीं है, मैं तो चले जाऊंगा इंडिया, इसके लिए नहीं ले पाऊंगा। तो गाइज होप करते वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना, कमेंट्स करके बताना। ये जो रेड सी मॉल का जो ग्राउंड फ्लोर है, मैं आप लोग को दिखा दूँ थोड़ा बाहर का लुक। ये जो रेड सी मॉल का ग्राउंड फ्लोर है, वहीं से स्टार्ट हो जाता है, लिफ्ट के नीचे ही है। जहाँ पर देख सकते हैं ये जो बीच की जो मिडल की जो लिफ्ट है ना एलिवेटर, उसके नीचे ही जस्ट वर्जिन सेंटर आपको बैक कैमरा से। सी मॉल के अंदर जो सेंटर वाली जो लिफ्ट है, ये जो एलिवेटर है देख सकते हैं आप, इस एलिवेटर के सामने ही ये वाली वर्जिन सेंटर आती है। देखें आप ये वर्जिन सेंटर जो कि रेड सी मॉल के अंदर, काफ़ी चीज़ काफ़ी क्वालिटी में इसके अंदर सामान अवेलेबल है। आप इसमें आएंगे ना तो बहुत कुछ यहाँ से बाई कर सकते हैं, एवरीथिंग जो आप परचेस करना चाहते हैं, मोबाइल वगैरह सारे कुछ अवेलेबल है। इलेक्ट्रिक बाइक्स, पेनो, गिटार, ब्लूटूथ स्पीकर, ब्लूटूथ, आईफोन सारे इसके अंदर अवेलेबल है।